2 क्लास का बच्चे कह रहे थे सर हमें जो है इंटीग्रेशन बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है, हमें कुछ नहीं पता क्या डेरिवेटिव क्या इंटीग्रेशन होता है और क्या उसका रेसिप्रोकल होता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल इंटीग्रेशन का आज बेस करवा रहा हूँ। इंटीग्रेशन का बेस क्या है, आज हम कुछ नहीं करेंगे, आज सिर्फ समझेंगे ऑब्जर्व करेंगे इंटीग्रेशन क्या चीज है और इसका डेरिवेटिव से क्या लेना देना है और डेरिवेटिव के फॉर्मूले से इंटीग्रेशन बनता कैसे। आज हम ये स्पेशल चीज यही है इस वीडियो में, डेरिवेटिव के फॉर्मूले से इंटीग्रेशन कैसे बन रहा है और इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में ऐसा क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है जिससे डेरिवेटिव के फॉर्मूले से इंटीग्रेशन हमारा बन रहा है। तो आपको ना अगर आप प्लस टू के बच्चे हो और आप इंटीग्रेशन अब सीख रहे हो तो आपको डेरिवेटिव जरूर आना चाहिए। तो आप सबसे पहले अगर आपको डेरिवेटिव का कुछ भी नहीं आता तो प्लस वन का जो है लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है डेरिवेटिव का साथ से ही, तो आप डेरिवेटिव भी साथ साथ करते जाना और इंटीग्रेशन भी साथ साथ करते जाना ताकि अगर आपका प्लस वन क्लास में कुछ अगर डेरिवेटिव रह गया तो आप क्या करोगे इंटीग्रेशन या वो प्लस वन की क्लास लगाकर वो भी सीख सकते हो। तो देखो आज मैंने कहा है जो डेरिवेटिव होता है ना वो इंटीग्रेशन का जो होता है प्रपोर्शन होता है। कैसे प्रपोर्शन होता है अब सीखो मेरे साथ, कुछ बेसिक इंटीग्रेशन है जो मैं आपको किधर डायरेक्ट करवाने जा रहा हूँ और कुछ सिखा भी दूंगा और कुछ करवा भी दूंगा और कुछ हम जो है नोट भी कर लेंगे, तो आप साथ साथ नोट करते जाना। आप मुझे एक बार बताओ, सब कुछ भूल जाओ, डेरिवेटिव तो आपको सभी को साइन एक्स का डेरिवेटिव तो आता ही होगा, साइन एक्स इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है इसका डेरिवेटिव, कोस एक्स होता है ना भाई, कोस एक्स होता है। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूं, दोनों तरफ क्या ले लिया इंटीग्रेशन, अब मैंने बोला है जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव होते हैं ये आपस में प्रपोर्शन होते हैं, जो प्रपोर्शन का मतलब ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, जो रेसिप्रोकल होते हैं वो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या होता है हो जाएगा फिर कट जाएगा। डेरिवेटिव अगर इंटीग्रेशन कट गया तो यहाँ क्या रह गया हमारे पास, साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। तो यहाँ से देखो यहाँ क्या निकल के आ गया हमारे पास, कोस का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारे पास साइन, और ये बाउंडेड फंक्शन है या अनबाउंडेड। कहने का मेरा मतलब है अगर इसकी लिमिट नहीं दी हुई तो ये कौन सा इंटीग्रेशन हो गया, अनबाउंडेड इंटीग्रेशन हो गया, और अनबाउंडेड में प्लस में क्या लग जाता है इसके साथ सी लग जाता है। तो समझ आ रही है आपको, हम जो है ना देखो अगर आपने रट्टा लगाना है तो मैं आज ही आपको पीडीएफ फाइल दे देता हूँ इसके जो है फॉर्मूलो की, आप लर्न करते रहें रट्टे में लगा, लेकिन रट्टे लगाने से आप प्लस टू क्लास अचीव कर लोगे, ग्रेजुएशन भी अचीव कर लोगे, लेकिन आपको कभी इसकी हिस्ट्री नहीं पता चलेगी आप इसमें हो क्या रहा है। तो आप बेसिक पकड़ा करो। और मैंने एक बात बता दूं, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे होता ही है नेचुरली ट्रिक्स, ज्यादातर हम ध्यान तो किस पर देते हैं ट्रिक्स पर, ट्रिक्स आ जाए किसे जो भी, अगर सेवन्थ क्लास का बच्चा है वो सेवन्थ क्लास के अपने मैथ की ट्रिक्स ढूंढ रहा है, एट्थ अपने मैथ की ढूंढ रहा है, नाइन्थ वाला बच्चा अपने ट्रिक्स ढूंढ रहा है, मतलब ढेरों जो है ना यूट्यूब पे पड़ी हुई है ट्रिक्स, ढेरों पड़ी है। लेकिन ट्रिक्स करने का फायदा क्या और नुकसान क्या है मैं आपको बता दूं आज, ताकि आपका ये भी जो है ना माइंड में से जो है गलतफहमी दूर हो जाए। ट्रिक्स करो जरूर करो, प्लस पॉइंट है, ट्रिक्स करो खुद भी करो मैं भी करता हूँ, ट्रिक्स करो प्लस पॉइंट है। लेकिन ट्रिक्स कैसे करनी है, ट्रिक्स का पहले आप सीखो कॉन्सेप्ट, फिर आओ ट्रिक्स, हम क्या आते हैं डायरेक्ट ट्रिक्स। डायरेक्ट ट्रिक्स पे जब हम कोई चीज करते हैं जब कोई सम करते हैं तो आप ऑब्जर्व करना, हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता चलता उसमें हो क्या रहा है, अब हम सिर्फ ट्रिक्स पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब उसने कहा ये वैल्यू सीधा की ऐसे निकल जाएगी, हम सीधा निकाल लें, हम हजारों सम वैसे कर लेंगे। अगर सीधी मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई सिखा दूं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई के हजारों सम कर दोगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो है वो स्किप हो जाएगा, कॉन्सेप्ट जो है आपका वो स्किप हो जाएगा, वो आपको कभी भी नहीं समझ आएगा, और कभी अगर आपकी एज ओवर होगी उस कॉन्सेप्ट को सीखने फिर आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। इट मीन्स कि जो है ट्रिक्स क्या हो वो हमारे कॉन्सेप्ट को इलेमिनेट कर देती है। लेकिन हम क्या है, ट्रिक्स अगर आपने सीखनी है तो आप कॉन्सेप्चुअली सीखो, पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखो ताकि आपको उसकी हिस्ट्री भी मालूम हो और डायरेक्ट ट्रिक्स भी मालूम हो, ठीक है। तो आओ चलते हैं हम अपने सम पे, अगर टेंजेंट की है तो आज ही हमने ये फाइंड कर लिया कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आओ। अच्छा नेक्स्ट फॉर्मूला करने से पहले आपको अब बताओ, अब आपका माइंड चल जाएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ।
कोस एक्स का डेरिवेटिव आपको पता क्या होता है? कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अगर मैं दोनों तरफ क्या है इंटीग्रेशन अप्लाई कर लूं, अब एक बात नोट करना, कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर रहेगी, उसको आपने अंदर नहीं लाना, आप कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर रख सकते हो। जैसे माइनस आ गया, माइनस को मैंने बाहर रखा और इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव क्या हुआ, कैंसिल। माइनस साइन एक्स, अब ये माइनस राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में भी तो लिख सकते हो, यहाँ मैंने लिख दिया। अब यहाँ से निकल कर क्या आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपके पास, माइनस कोस एक्स, क्या हो गया, माइनस कोस एक्स। तो आप इसका फॉर्मूला ऊपर नोट कर लोगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपके पास, माइनस कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, दो फार्मूले हो गए। अगर आप इसको लर्न करना स्टार्ट करते तो आपने सीखने थे भी 36 या 40 फार्मूले, डेरिवेटिव के लर्न करो, 40 इंटीग्रेशन के लर्न करो, माइंड हमारा जो डल बन जाएगा। तो आप क्या है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में हमने कनेक्शन ढूंढ लिया और उस कनेक्शन से हम जो है सभी इंटीग्रेशन, सभी के सभी फार्मूले हम ऐसे कर लेंगे। कुछ फार्मूले होंगे जिसको आप लर्न थोड़ा बहुत अगर समझोगे, लेकिन उस सब की जब आप प्रैक्टिस करोगे वो ऑलरेडी आपके माइंड में फिक्स, उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक और देखो, सभी को लोग एक्स का डेरिवेटिव पता है, लोग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है, 1/x होता है। अगर दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन ले लोगे, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव क्या हुआ, कैंसल। अगर इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल होगा तो यहाँ मुझे बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या बन गया, लोग एक्स बना कि नहीं बना, 1/x का इंटीग्रेशन क्या बन गया, 1 log x प्लस सी। तो आपको ये बात समझ आ गई, तो इसको भी नोट कर लो, इसको भी आप नोट करो, बिल्कुल नोट करो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारे पास, log x प्लस सी। अच्छा, इसके साथ ना जब भी इंटीग्रेशन आएगा ना, इसके साथ dx जरूर लगा होगा। अच्छा, dx का मतलब होता है डेल्टा x, dx का मतलब होता है डेल्टा x, इसके बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन आप सबसे पहले इंटीग्रेशन सीख जाओ, कौन कौन से इंटीग्रेशन हमारे हो रहे हैं। तो आप देखोगे, मैंने आपको हिंट दे दिया, जैसे आप डेरिवेटिव से बनाते जाओ, अब आप डेरिवेटिव से साइन का भी बना सकते हो, कोस का भी बना सकते हो, टेंजेंट का भी बना सकते हो, सेकंट का, सेकंट का, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो आपको ऐसे ही फाइंड, आपने फॉर्मूले से ही ड्राइव कर लिए, कौन कौन से फॉर्मूले से, डेरिवेटिव के फॉर्मूले से। आप 6 इंटीग्रेशन घर पर बनाकर देखना, जरूर बनेंगे आपके पास। और मैं आपको अब PDF दूंगा, पहले तो आप बनाना सीखो, इंटीग्रेशन खुद से बनाना सीखो, खुद से बनाकर अगर आपको एग्जाम, पहली तो बात अगर खुद से बना रहे हो तो आपको हो ही नहीं सकता भी आपके माइंड से जो स्किप हो जाए, लेकिन फिर भी अगर स्किप होता तो आपका PDF है, आप उस जिस आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है, जिसका फार्मूला आपको लर्न नहीं हो रहा, उसके ढेरों सम कर लो, 50 सम कर दो उस टाइप से, क्यों ना लर्न होगा, होना पड़ेगा उसको लर्न। तो आप देखो आगे, अच्छा ex का इंटीग्रेशन आपको पता, ex का डेरिवेटिव, इसको नोट कर लो आप। आगे हम चलते हैं, फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ ex का डेरिवेटिव ex होता है, बिल्कुल सही, ex का डेरिवेटिव ex, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो इसका मतलब क्या आ गया, जो ex का इंटीग्रेशन होगा सेम ही होगा, ex का इंटीग्रेशन e ऑफ x। तो लगता है आपको कुछ समझ आ रही होगी, और मुझे भी लगता है आपके जो है माइंड जो है अब वर्क करना स्टार्ट कर देगा, अच्छा ये था इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन के फार्मूले से हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घर पर आप एक्सपेरिमेंट करो, फार्मूला निकालो, उसको बनाकर दिखाओ क्या डेरिवेटिव से बन रहा है, एक्सपेरिमेंट करा करो मैथ को ना आप रट्टा मत करो, एक्सपेरिमेंट करो जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, आपने एक देखा होगा, एक अपने डेरिवेटिव जो है ना अलजेब्रा, अब आपने ट्रिग्नोमेट्री के, मैंने आपको हिंट दे दिया, ट्रिग्नोमेट्री के आपने 6 फॉर्मूले सीख लिए बगैर लर्न किए, ex का सीख लिया, ex को एक्सपोनेंशियल कहते हैं और l को लोगमेट्री कहते हैं। अच्छा, टोटल पता है आपको मैथ में आपके कितने तरह के फंक्शन होते हैं, एक वर्ड लर्न करो, ILAT, शायद आपको पता ही होगा, आपने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा देखो, आई से होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का मतलब इसमें क्या आ जाता है, साइन इनवर्स,
कोस इनवर्स टेंजेंट इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जड़ी जो है वो हमारी है वो इसमें आ जाती है, लॉग इनवर्स भी हो सकता है, वो बहुत ही रेयर आता है। अच्छा एल से मतलब लॉग मैट्रिक, लॉग एक्स लॉग वाले जो है फंक्शन है वो लॉग मैट्रिक कहलाते हैं, और ए का मतलब होता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक इसमें क्या होते हैं एक्स की पावर वाले, एक्स पावर 4, 3, 4 लीनियर इक्वेशन जो इक्वेशन अलजेब्रा टाइप होता है वो है अर्थमेटिक फंक्शन में आ जाता है। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स कोस एक्स, अब बोलोगे यहाँ भी साइन इनवर्स कोस इनवर्स था ये भी ट्रिग्नोमेट्री थी, बेटा वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थी, तो ये होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है आगे हो जाते हैं, ई से बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल जो ई की पावर वाले होते हैं, ई की पावर 2x, ई की पावर एक्स, ई की पावर 3, तो वो होते हैं एक्सपोनेंशियल। तो इस टाइप के हमने डेरिवेटिव भी सीखने और इस टाइप के हमने इंटीग्रेशन भी सीखने, आज हमने एक्सपोनेंशियल सीख लिया और ट्रिग्नोमेट्री सीख, अब बारी आती है आज मैं आपको अर्थमेटिक भी करवा दूँगा, लोगोमेट्रिक का आपने सिखा दूंगा लोगोमेट्रिक के भी और इनवर्स के भी, लेकिन आज आप मेरे साथ तीन चीजें सीखो, अर्थमेटिक ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो बेटा अब से आप ध्यान दो, बिल्कुल जीरो लेवल से आपका जो है इंटीग्रेशन हो रहा है तो बहुत लंबा चलेगा अगर जीरो लेवल से करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं अगर आपने आगे मैथ रखना है तो कोई बात नहीं, वीडियो जितनी मर्जी लंबी बने तो आप बिल्कुल ध्यान से देखो। आगे सीखो अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, आप जब डेरिवेटिव करते हैं ना, मान लो x की पावर 3 का आपने क्या है क्या करना है डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव क्या कैसे करते थे इसका, जो है पावर क्या है आप आगे ले आते थे ऊपर एक पावर कम कर देते थे मतलब 3x2 ऐसे करते थे डेरिवेटिव। अब आपने क्या है ये था अलजेब्रिक का डेरिवेटिव, अब आपने अलजेब्रिक का अगर आपने इंटीग्रेशन सीखना है तो आप कैसे करोगे, तो वो मैं आपको डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल करके नहीं बताता, वो मैं आपको सीधा बता देता हूँ वैसे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात, अगर आपने डेरिवेटिव करना है। अच्छा मेरे साथ ना आप एक चीज़ सीखो, डेरिवेटिव का मतलब ऊपर माइनस लगा दो इंटीग्रेशन के ऊपर प्लस लगा, अब इसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव जो होता है ना वो रकम को जो स्टेटमेंट को रिड्यूस करता है, क्या करता है रिड्यूस, और जो इंटीग्रेशन है वो स्टेटमेंट को क्या करता है गेन, वो स्टेटमेंट को गेन करता है स्टेटमेंट को रिड्यूस करता है। अच्छा इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव में जो मान लो हमारा क्यूब था अब इसकी पावर हमने क्या रिड्यूस कर दी 3x2 कर दी मतलब रिड्यूस कर दी, और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे फिर इसका उल्टा, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे इसका उल्टा, मतलब इसमें हमने रिड्यूस नहीं करना, मान लो x की पावर 3 का आपने इंटीग्रेशन करना है, अगर डेरिवेटिव कर रहे थे तो ये क्या हो जाएगा 3x2, अगर आपने इंटीग्रेशन करना है तो इसमें पावर हम कम कर देते थे इसमें पावर आपने बढ़ा देनी है, जैसे x की पावर 3 है इसका आप इंटीग्रेशन करोगे इसमें एक जोड़ दो पावर क्या बन गया 4, जितना पावर में बन जाए उतना ही उसके डिनोमिनेटर में लगा दो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया x की पावर 4/4+3, x की पावर 4/4+3 तो इसका इंटीग्रेशन बन गया। अब देखो अभी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है, आज ही अपनी कॉपी बनानी स्टार्ट कर दो इंटीग्रेशन की, देखो कैसे नहीं आएगा इंटीग्रेशन सीखेंगे आप, मान लो मैं एक इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म में हमारा एक्स की पावर 5+3x2+x(dx) इसका आप इंटीग्रेशन बताओ कैसे होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, जो इसकी पावर है पावर 5 इसकी पावर का एक बढ़ा देंगे पावर कितना हो जाएगा 6/6, अब डायरेक्ट करो यहाँ क्या हो जाएगा 3/3, यहाँ पावर 1 है 2/2 हो जाएगा, और प्लस क्या लगा दोगे सी, ये हमारा आंसर आ गया, ये था अर्थमेटिक का। और एक बात नोट करना, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था 1 होता था, और अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूँ तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो जहां भी 1 आ जाए उसका इंटीग्रेशन आपने क्या लगाना है 1 एक्स लगाना है, क्या लगाओगे तो देखो आगे नेक्स्ट हम मैं कुछ इसमें सारे ही इन्वॉल्व कर देता हूँ सभी फंक्शन, तो उस टाइप में कि आज मैं आपको सिंपल सिंपल सम दूंगा, तो सिंपल सिंपल सम से हम टाइप करते करते टिपिकल वे की तरफ भी चलेंगे, तो आज आप सिंपल टाइप के सम सीखो, मैं क्वेश्चन करता हूँ उसमें सभी इंक्लूड कर देता हूँ,
जैसे मान लो इसमें साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड कर दिया, और यहाँ लगा दिया मैंने लोग एक्स, ई एक्स भी लगा दिया, और यहाँ मैंने एक्स की पावर 5 भी कर दी। इसका आप मुझे इंटीग्रेशन बताओ कैसे होगा। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन आपने सीखा है, जल्दी से कॉपी रिवर्स करके देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। लोग का जो है इंटीग्रेशन, यहाँ लोग का हमने नहीं सीखा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लोग एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स सी, और इसका क्या हो जाएगा 6/6, साथ में क्या लगाओगे प्लस प्लस सी। क्यों लगता है? क्योंकि इसकी लिमिट नहीं डिफाइन है, ये अनबाउंडेड इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे हमने जो है सम करने हैं, तो आप भी मेरे साथ सोल्व करना कुछ, मैं आपको सम जो है प्रैक्टिस के लिए जरूर दूंगा। तो ध्यान से आपने जो है रेगुलर अब वीडियो देखी है, तो कोई भी हमारा जो है पार्ट है वो मिस ना हो जाए, तो आप जो भी जितनी भी आपको टाइम मिले तो आप जरूर प्रैक्टिस करो उसकी, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम। और एक मेरे साथ और एक आज कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। धीरे धीरे करके हम सभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आपके माइंड में जो है इंटीग्रेशन बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, जब भी लीनियर फैक्टर आ जाए, अब मैं लीनियर फैक्टर की बात कर रहा हूँ, लीनियर फैक्टर बहुत ही जबरदस्त फैक्टर है। इस फैक्टर से कम बच्चों की, नॉर्मली बच्चों की गलतियाँ होती हैं। कैसे गलती होती है देखो,